बीजेपी के हिमाचल अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हमीरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए प्रचार किया। सत्ती ने ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नुक्कड़ बैठकें कर अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया। सत्ती ने कांग्रेस द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों को निराधार बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने गृह विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सत्ती ने फिर एक बार कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों से पैसे तो ले सकती है, लेकिन उन व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। सत्ती ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं देने वाले बयान पर कांग्रेस से रिलायंस और अनिल अंबानी के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के व्यापारियों की हेलीकॉप्टर में सवारी करने पर भी तंज कसा। सत्ती ने कांग्रेस द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी द्वारा भी ऐसी बातें उठाए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ को सरल इंसान बताते हुए उनसे कांग्रेस की झूठ की संस्कृति को नहीं अपनाने की बात कही। जो बिल्कुल निराधार आरोप है, कांग्रेस के लोग अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं इन दिनों तो शायद उनको डर होगा, वरना उनको कहे हमारे फ़ोन टेप कर लें, वो जितने करने हैं, हमें क्या दिक्कत है। और कांग्रेस के नेताओं के जो फ़ोन टेप करने का अफवाहें हैं, जो किसी टाइम पर इनकी नेशनल लेवल पे उस समय राजीव गांधी जी ने भी उड़ाई थी, उसके बाद भी बातचीत हुई, लेकिन ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के लोग करते हैं। इसलिए मेरा उनसे राठौर जी से भी यही आग्रह है कि अफवाहें फैला करके आप लोगों में दुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। और राठौर जी तो खुद सीधे साधे आदमी हैं, उनको ऐसी बातों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति में उनको नहीं पढ़ना चाहिए जो कांग्रेस की संस्कृति झूठ बोलने की है। इसलिए ऐसा सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है जहाँ तक मुझे जानकारी है। राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अनिल अंबानी को घेरे जाने के बाद सियासत और गर्म हो गई है। अभी तक राजनीतिक दलों के बीच जारी इस जुबानी जंग में अब रिलायंस ग्रुप भी कूद पड़ा है। दरअसल इस ग्रुप ने एक ट्वीट कर यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भी उनके ग्रुप यानी अनिल अंबानी को 1,00,000 करोड़ को ठेके मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा था, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस ने अनिल अंबानी को व्यापारी बताते हुए कांग्रेस के राजनीतिक दल होने का हवाला दिया था और व्यापारियों की बातों का जवाब नहीं देने की बात कही थी। फिर क्या था, कांग्रेस का ये बयान आते ही हिमाचल बीजेपी पहले से कहीं अधिक हमलावर हो गई। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष पाल सिंह सत्ती ने इस पर प्रहार करते हुए ये कह डाला कि कांग्रेस व्यापारियों से पैसे तो ले सकती है, लेकिन उन व्यापारियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने कांग्रेस से रिलायंस ग्रुप या अनिल अंबानी के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। सत्ती ने व्यापारियों के हेलीकॉप्टर होने और उनमें कांग्रेस नेताओं के सवारी करने पर भी तंज कसा। वो ही ना, बातों से बचना चाहते हैं, व्यापारियों से पैसे तो ले लेते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस के लोगों से मैं पूछता हूँ, आजकल जिन एरोप्लेन में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, वो किसी किसान के हैं? वो किसी जिमीदार के हैं क्या, या किसी मजदूर के हैं? जो हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, जो बड़े लोगों के पास ही होंगे, अडानी अंबानी के पास ही होंगे। तो इस तरह की बातें करना कि अडानी अंबानी की गवर्नमेंट बिक गई है, और जब वो सच बोलते हैं तो उनकी बातों का हम जवाब नहीं देते हैं, व्यापारियों का जवाब नहीं देते हैं।